नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया में। और आइए बात करेंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेकंड T20 मैच खेला गया उसके बारे में। आपको बताएंगे दोनों ही टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग, देखने को मिलेगी यहाँ पर सारे के सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स। इसलिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके आगे आने वाले मैचेस के हर एक हाईलाइटेड पॉइंट। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। यह बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हो सकता था, क्योंकि बल्लेबाजों ने महज 118 रन ही बनाए 4 विकेट खोकर 20 ओवरों के अंदर में। जवाब में आई कंगारू टीम, फेल हो गई और इस स्कोर को बना नहीं पाई और 146 पर 20 ओवर पूरे खेल बैठी। बात करी जाए अब अगर साउथ अफ्रीका के बैटिंग परफॉर्मेंस की और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान क्विंटन डी कॉक ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन ठोक डाले। वहीं रेसी वन ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए, तो वहीं फाफ डू प्लेसिस ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाए। यानी कि कह सकते हैं 30 के पार दो खिलाड़ी पहुंचे, उनके अलावा कोई और नहीं पहुंच पाया। बात करी जाए अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिचर्डसन ने 2 विकेट झटके, वही पैट कमिंस ने और एडम जुम्पा ने 1-1 विकेट लिया। अब अगर बात करी जाए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग भी थी। उनके बाद कोई भी खिलाड़ी 30 को पार नहीं कर पाया। स्टीव स्मिथ ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाए, तो वही एलेक्स कैरी ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाए। बात करी जाएगा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एंगेडी ने शानदार प्रदर्शन दिया। हालांकि रन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए, यानी कि कह सकते हैं हम 10 ज़्यादा इकोनॉमी रेट के साथ रन दिए, लेकिन 3 विकेट भी झटके। वहीं एनरिच नॉटजे ने 4 ओवर के अंदर 24 रन देकर 1 विकेट झटका, तो वही कागिसो रबाडा ने 4 ओवर के अंदर 27 रन फेंक देकर 1 ओवर 1 विकेट लिया। तो इस प्रकार से देखने को मिली हमें दोनों टीमों की बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।